अंतर जनपदीय शातिर स्टोरिये दबोचे गए, क्रिकेट स्टोरियों की टूटी कमर, आधा दर्जन शातिर स्टोरिये दबोचे गए, एक लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, एक कार और कई डेबिट कार्ड बरामद। पूछताछ में सामने आया आगरा कनेक्शन, मास्टरमाइंड निकला ताज नगरी निवासी, कई लोगों के नाम सामने आए, अब कसेगा हर एक पर शिकंजा। यह स्टोरिये कई अन्य प्रदेशों में जाकर होटल रूम किराए पर लेकर वहां से करते थे ऑपरेट। मैनपुरी टीम की त्वरित व रणनीतिक कार्यवाही से स्टोरियों में मचा घर घोर हड़कंप। ये पूरा मामला थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का है। इसमें हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी जोगिंदर यादव और साथ ही उनके अमित चौहान और बहुत सिंह, इन तीनों पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में और इनके द्वारा वर्कआउट करने के लिए टीम लगाई गई थी। क्रिकेट मैच के क्षेत्र में सट्टेबाजी का धंधा यहाँ पे चल रहा है, ऐसी सूचना मिली थी। उन्हीं को बस्ट आउट करने के लिए टीम लगाई गई थी, इनको सफलता मिली है और एक अंतर जनपदीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और इस अंतर जनपदीय गैंग के 6 शातिर सटोरियों को हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में सट्टेबाजी से संबंधित सामान बरामद हुए हैं, जिसमें एक लैपटॉप है, 16 मोबाइल फोन है, इसके अलावा डेबिट कार्ड्स हैं, कुछ कॉपी पेन इत्यादि भी मिले हैं और एक कार भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड सरगना है, वो आगरा का निवासी है, आगरा में रहता है। दो सगे भाइयों का नाम सामने आया है, जॉली गुप्ता, बबलू गुप्ता और इनका एक साथी है अज्जू लंगड़ा, इस तरह के नाम सामने आए हैं। ये आगरा निवासी है और पूछताछ में एक बात और सामने आई है कि ये विभिन्न राज्यों में जा करके, विभिन्न जनपदों में जा करके, विभिन्न राज्यों में जा करके ये होटल के कमरे किराए पर लेकर वहाँ से ऑपरेट करते हैं। पुलिस से बचने का हर सूरत में ये प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी मैनपुरी पुलिस टीम ने और सर्विलांस टीम ने मिल करके इनका भंडाफोड़ किया है। आज 6 शातिर सटोरियों को हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद न्यायालय के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ और भी नाम सामने आए हैं जिनकी सूची बन गई है और आने वाले दिनों में उन पे भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।